आज के इस आधुनिक दौर में मशीनों का प्रयोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हो रहा है और कहीं ना कहीं ये मशीन जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं उनमें भी समय बचाने के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी साबित हो रही हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिहाज से एक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है। उसमें तमाम तरीके के जो एक्सपो से रिलेटेड मटेरियल्स हैं उनकी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि एक ऐसी ही स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ जो वैक्यूम क्लीनर्स में डील्स करते हैं और कहीं ना कहीं आज के इस दौर में जो वैक्यूम क्लीनर्स की डिमांड है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर संजय यादव है। संजय जी, देखा जाए तो जो आपकी कंपनी है वो वैक्यूम क्लीनर के उसमें डील करती है, किस तरीके की ये कंपनी है और कैसे ये जो मार्केट डेवलप हो रहा है उस बदलते उस दौर में कैसे आपकी कंपनी जो है वो मर्ज कर रही है? क्लीनिंग में हमारी कंपनी क्लीनिंग में हर तरह की मशीन्स पे डील करती हैं। आइदर वो फ्लोर क्लीनिंग मशीन्स हों, वैक्यूम क्लीनर्स हों, जेट प्रेशर्स वाशर्स हों, इस तरह की मशीन्स आती हैं जो आजकल क्लीनिंग के तरफ लोगों का काफ़ी अटेंशन है, तो उन सब की क्लीनिंग्स के लिए हम लोग मशीन प्रोवाइड करते हैं। हमारे जी मशीन्स आप प्रोवाइड करते हैं, अभी आपने बताया। अब बात ये आती है सर कि कैसे जो बदलता ये दौर है, आधुनिक का दौर है, उसमें मशीनों के उपयोगिता पे लगातार लोग निर्भर होते जा रहे हैं, तो कैसे जो मार्केट है वो आगे चेंज हो रहा है, जो पहले मार्केट था उससे आज के दौर में क्या कुछ बदला है? पहले क्या था कि पहले मशीन की इतनी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास नहीं आती थी। अब तो जैसे फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, गवर्नमेंट प्रेमिसेस हो गए, अब क्लीनिंग को और बेटर करने के लिए, हाइजीन को बेटर मेंटेन करने के लिए मैन पावर से उतना मेंटेन पॉसिबल नहीं है, तो अब मशीनरीज पे लोग इंक्वायरीज हमें आती हैं, हम उनको जाके ब्रीफ्स करते हैं मशीन्स को, मशीन्स यूज़ हो रही हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और जो मशीन प्रोवाइड करने की आपने बात बताई है वो किस तरीके से किया जा रहा है? यूपी में हमारा जोनल ऑफिस जो है विभूति खंड में है, कॉमेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, यहाँ से हम ईस्टर्न यूपी पूरा देखते हैं। जैसे कस्टमर्स के हमें पास ऑर्डर आते हैं तो हमारी मशीन्स की बिलिंग जो होती है हम कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली से होती है और दिल्ली से हम ऑन साइट डिलीवरी करते हैं मशीन्स कस्टमर के। आफ्टर डिलीवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं मशीन को कैसे यूज़ करना है और प्रॉपर होता है, ऑन साइट सर्विसेज भी देते हैं। सर, इंडिया फूड एक्सपो लगाया गया है, इसमें आपने भी स्टॉल लगाया है, क्या लगता है इस तरीके के जो एक्सपो होते हैं इससे कैसे मार्केट को बढ़ावा मिलता है, आपके मटेरियल्स को बढ़ावा मिलता है और आपकी कंपनी कैसे लोगों तक पहुँचती है? सर, फूड एक्सपो में क्या है सर कि जैसे एक कॉमन विंडो है जहाँ पे कई तरह के बायर्स आते हैं, तो वो मशीन्स को जब डिस्प्ले में होता है तो उन्हें पता चलता है कि इस तरह की मशीनरीज भी आती हैं, वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से एक एक्सपो में क्या होता है, बढ़िया एक्सपोजर होता है बायर के लिए और सेलर के लिए दोनों लोगों के। मतलब कुल मिला के सर आप ये कहना चाहते हैं कि 1-to-1 कम्युनिकेट होना जो है वो आसान होता है? जी 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 जी, 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिहाज से एक मैं और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। एक दौर था कोरोना काल जब इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बुरा दौर था, इंडस्ट्री क्या देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश में रहने वालों के लिए भी एक बुरा दौर था। उस दौर के बाद अब काफ़ी हद तक वो दौर जो है पीछे छूट गया और हम लोग आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना की अभी भी जारी है, क्या लगता है सर इससे आपके मार्केट को या आपकी इंडस्ट्री को कुछ इफेक्ट पहुँचा था? कोरोना से देखिए इफेक्ट तो हर इंडस्ट्री में था, हमारी भी इंडस्ट्री को था, काफ़ी चीज़ें बैरियर्स थे जिसकी वजह से बिजनेस डाउन था, बट अब धीरे धीरे चीज़ें लाइनअप होके स्मूथ हो रही है। एक आखिरी सवाल है सर, इस तरीके के एक्सपो को और बढ़ावा दिया जाए उसके लिहाज से क्या कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, चाहे वो इंडस्ट्री के लिहाज से हो या वो सरकार के लिहाज से हो? चेंज एक्सपो के लिए क्या सर, एक्सपो इस तरह के प्रमोट किए जाएँ, पब्लिक को जानकारी दी जाए कि इस तरह की एग्जीबिशंस लगी हैं, जैसे हमें मालूम पड़ा तो हमने कॉन्टैक्ट किया और एग्जीबिशन लगाया, तो क्या है कि इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए लोगों को। मिलाकर इन्फॉर्मेशन की बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं चाहे वो कोई संस्था हो या फिर सरकार ही क्यों ना हो, अगर योजनाएं लाई जा रही हैं, संभावनाएं पैदा की जा रही हैं, तो उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो होना ज़रूरी है और शायद यही वजह है कि इस तरीके के एक्सपो को लगातार बढ़ावा भी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया फूड एक्सपो में तमाम तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं और उन स्टॉल्स में एक स्टॉल ये भी है वैक्यूम क्लीनर्स में जो डील्स करता है, जो मशीनरी उपयोगों को लगातार जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। और रही बात अगर इंडस्ट्री की, तो लगातार कोरोना के बाद से जो इंडस्ट्री है वो भी आगे बढ़ रही है और ग्रोथ भी लगातार हो रही है। जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।